दमोह लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी ने अपने गांव बैरागढ़ में मतदान किया। आईबीसी 24 से खास बातचीत में प्रताप सिंह लोधी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल अपनी हार सामने देकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। साथ ही प्रताप सिंह लोधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी दिए जाने और उनके अपहरण की कोशिश के प्रहलाद पटेल के आरोपों को झूठा बताया। प्रताप सिंह ने दावा किया कि दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार स्थानीय मुद्दों पर वोट करके कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाएगी। लोकतंत्र के महापर्व में दमोह संसदीय सीट में भी मतदाताओं में खासा उत्साह है वोट डालने को लेकर और लगातार पोलिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। 3 दशक से दमोह संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार लगातार बदलाव का दावा करते हुए मैदान में कांग्रेस है। कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ है, प्रताप सिंह लोधी जी। लगातार पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि गर्मी है ज्यादा, लोग बाग सुबह सुबह डालते हैं और उसके बाद दोपहर में थोड़ा कम होगा, शाम को फिर बढ़ जाएगा। लोगों ने इंतजार किया है 15 से 30 सालों से लगातार, 15 साल राज्य सरकार को हटाने में और 30 साल में जो यहां से हमारे यहां का कांग्रेस का सांसद नहीं जीत पाया, वो वक्त आ गया है। लोगों ने इंतजार है कि एक बार इस बुंदेलखंड के किसान के बेटे को मौका दिया है पार्टी ने, तो यहां का मतदाता जहां जहां भी मैं गया हूं सब कांग्रेस के साथ काम कर रहा है। तमाम स्थितियां यहां पर प्रताप जी नजर आ रही हैं, क्या आपको दावा आपका क्या है कि ये जब 6 बजे तक मतदान पहुंचेगा तो क्या जनादेश निकल कर आएगा? जनता ने मन बना लिया है कि स्थानीय प्रत्याशी मैं हूं और वो प्रत्याशी है बाहर का, इसलिए यहाँ पर लोग बागों ने मन बना लिया है और जीत दिलाएंगे। ठीक है, हमने बात की प्रताप सिंह लोधी जी से, जिनका दावा है कि स्थानीय मुद्दों पर बुंदेलखंड की और दमोह की जनता इस बार वोट करेगी। कांग्रेस पर जो आरोप लगाए गए हैं प्रहलाद पटेल की ओर से, बीजेपी प्रत्याशी की ओर से, उनको नकारा है और दावा किया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन दमोह में होकर देखना होगा कि इन दावों के मुताबिक जनता क्या जनादेश सुनाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, आईबीसी 24, दमोह।